नाशपाती। यह नज़म गुलाम अब्बास की लिखी हुई है। चले इसको साथ में पढ़ते हैं। होती मैं नाशपाती, डाली पे लहलाती, मेरे शजर के नीचे लड़की जो कोई आती, डाली से टूट कर मैं कदमों में उसके जाती, कहती मैं उससे नन्नी तू क्यों है खौफ खाती, झुक कर मुझे उठा ले, खा ले मज़े से खा ले। दोबारा से पढ़ते हैं। होती मैं नाशपाती, डाली पे लहलाती, यानी एक नाशपाती जो है वो डाली पे लहलाती, यानी ब्रांच पे लहलाती है, मेरे शजर के नीचे। शजर दरख्त को बोलते हैं। तो यानी ये कह रहा है जो नाशपाती का जो दरख्त है उसके नीचे अगर लड़की जो कोई आती है, कोई लड़की वहाँ पे आके बैठ जाती है उसके दरख्त के नीचे, डाली से टूट कर मैं कदमों में उसके जाती। तो जो नाशपाती है वो अपने डाली से यानी ब्रांच से टूट के उसके कदमों में आके गिरती। कहती मैं उससे नन्नी तो क्यों है खौफ खाती, मैं उस बच्ची से बोलती कि क्यों डरी हुई हो, झुक कर मुझे उठा ले, खा ले मज़े से खा ले, कि यानी कि कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, सुकून से जो है नाशपाती को उठा लो और उसको मज़े से खा लो। अब आप लोगों ने नाशपाती नज़म को पढ़ लिया है तो इसकी अब हम लोग मश्क यानी एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहला सवाल जो आपने अपनी कॉपी पे करना है वो है नाशपाती किसे कहते हैं। नाशपाती बेसिकली एक फल का नाम है, तो नाशपाती एक फल को कहते हैं। इसका रंग कैसा होता है, तो जो नाशपाती है उसका जो रंग होता है वो पीला येलोइश कलर का होता है, और कच्चा होता है तो ग्रीन कलर का भी हो सकता है, तो पीला भी हो सकता है और हरा भी हो सकता है। उसकी शक्ल कैसी होती है, उसकी शक्ल ऐसी होती है लेकिन वो अमरूद से बड़ी और उसके मुकाबले में काफ़ी नरम होती है। नाशपाती की ख्वाहिश क्या थी, नाशपाती की ख्वाहिश ये थी कि वो जो है लड़की के दिल से खौफ ख़त्म कर सके। क्या आपको नाशपाती पसंद है, वो तो आपने खुद बताना है कि नाशपाती आपको पसंद है या नहीं। अब इसके अलावा नाशपाती की आपने जो हिज्जे है वो याद करनी है। नाशपाती की हिज्जे कैसे करते हैं, नून अलिफ ना, शीन साकीन, नाश, पे अलिफ पा, ते ये जेर ती, नाश पाती। सेकेंड जो लफ्ज़ है वो है लहलाती, लाम हे जेर ले, लाम जबर ल, हे अलिफ जबर हा, ले लहा, ते ये जेर ती, ले लहाती। तीसरा लफ्ज़ है शजर, शीन जबर श, जीम रे जबर जर, शजर, शजर, शजर का मतलब दरख्त। चौथा है खौफ, खे वाव जबर खो, फे साकीन, खौफ, खौफ लफ्ज का मतलब है डर। के बाद आपके पास नीचे आठ लफ्ज गिवन हैं, उनके जो हम मायने हैं उसको उससे आपने मिलाना है यानी मैच करना है। डाली जैसे आपको बताया था उसका मतलब है ब्रांच या शाख, तो आपने डाली को शाख से मिलाना है। सेकेंड है आपके पास नन्नी, नन्नी किसी छोटी सी चीज़ को बोलते हैं, तो नन्नी की हम मायने क्या हो गया, छोटी। शजर की हम मायने है दरख्त, तो यानी कि आप शजर को दरख्त से मिलाएंगे। खौफ, खौफ का हम मायने है डर, तो यानी कि आप खौफ को डर के साथ मैच करेंगे। यहाँ पे आपको चार फल दिए गए हैं, वो आपने फल अच्छे तरीके से अपने कॉपी पर पहले ड्रॉ करने हैं, फिर उसके नीचे नाम लिखना है कि इन चारों फलों के नाम क्या हैं, और फिर इन सब के अलग अलग जुमले तहरीर करने हैं, यानी कि पहले जो फल बना हुआ है उसका नाम लिखेंगे, फिर उस फल के नाम को आप जुमले में इस्तेमाल करेंगे, फिर दूसरा फल लिखा हुआ है उसका नाम लिखेंगे, फिर उस नाम को आप जुमले में इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से तीसरे और चौथे फल का भी आपने इसी तरीके से काम करना है। फिर आपका आखिरी सवाल ये है कि नज़म में से आपने हम आवाज़ अल्फाज को तलाश करने हैं। हम आवाज़ यानी कि जिनकी आवाज़ एक जैसी हो। अब यहाँ पे आपको दो किस्म के हम आवाज़ ढूंढने हैं, एक ऐसा हम आवाज़ जिसकी आखिर में ती आता हो, और एक ऐसा आपने ढूंढना है जिसके आखिर में ले आता हो, लाइक नाशपाती और ले लहाती।
ठीक है, तो ये दोनों हम आवाज हो गए। इसी तरीके से होती या आती, तो यानी कि इस तरीके से आपने हम आवाज अल्फाज को ढूंढने हैं और फिर उनको ती के नीचे और ले के नीचे लिख देने हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।